नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कावासाकी निंजा 300 BS6 मॉडल के बारे में, क्योंकि ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। सो आज की वीडियो में बात करेंगे इस बाइक के प्राइस, फीचर्स, सभी डिटेल्स के बारे में। सो अगर आपको निंजा 300 के 2021 मॉडल के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों कावासाकी ने निंजा 300 के BS6 मॉडल को ऑफिशियली इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस बाइक के अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस कावासाकी ने नहीं किए हैं, लेकिन दोस्तों इस बाइक का प्राइस काफी बढ़ गया है। दोस्तों कावासाकी ने निंजा 300 के BS4 वेरिएंट को दिसंबर 2019 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन मेजर चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो कावासाकी ने इस बाइक के अंदर कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का एक शोरूम प्राइस 20,000 बढ़ गया है। निंजा 300 BS6 मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 3,18,000। और दोस्तों इस बाइक में सबसे बड़ा चेंज यही है कि इस बाइक में BS4 कम्प्लायंट इंजन की जगह पे BS6 कम्प्लायंट इंजन है, और इस बाइक के अंदर कोई भी डिजाइन और स्टाइल में, फीचर्स में कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन दोस्तों न्यू मॉडल के अंदर हमें न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम देखने को मिलती है, और इस बाइक के अंदर वही सेम 296cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कम्प्लायंट इंजन है। और कावासाकी ने इस बाइक की पावर आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं किया है। निंजा 300 BS6 मॉडल की मैक्सिमम पावर है 39 PS, लेकिन दोस्तों इस बाइक की टॉर्क आउटपुट 0.9 न्यूटन मीटर कम हो गई है। पहले इस बाइक का मैक्सिमम टॉर्क था 27 न्यूटन मीटर, लेकिन अभी इस बाइक का मैक्सिमम टॉर्क है 26.1 न्यूटन मीटर। हालांकि दोस्तों 0.9 न्यूटन मीटर टॉर्क कम होने की वजह से इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बाइक के अंदर हमें वही सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जैसी इस बाइक की परफॉर्मेंस हमें BS4 वेरिएंट में देखने को मिलती थी, और इस बाइक के अंदर वही सेम 6-speed ट्रांसमिशन है और साथ में असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है। दोस्तों बॉडी ग्राफिक्स के बारे में अगर बात करें तो निंजा 300 BS6 वेरिएंट की बॉडी ग्राफिक्स काफी हद तक ZX10R और ZX6R से सिमिलर हैं। सो इस बाइक के बॉडी ग्राफिक्स काफी हद तक इन दोनों बाइक से इंस्पायर्ड हैं। दोस्तों कलर्स के बारे में अगर बात करें तो कावासाकी ने निंजा 300 BS6 वेरिएंट को 3 कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया है, जिसमें सबसे पहला कलर ऑप्शन है लाइम ग्रीन, सेकेंड कलर ऑप्शन है कैंडी लाइम ग्रीन, और थर्ड है इबोनी। दोस्तों बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर वही सेम एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, और वही सेम बल्ब टाइप की हेलोजन हेडलाइट है, LED टेल लाइट है। सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर वही सेम 37mm के कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर वही सेम 290mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है विद ड्यूअल पिस्टन कैलिपर्स, और 220mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद ड्यूअल पिस्टन कैलिपर्स, जो फ्रंट और रियर में पेटल टाइप की डिस्क ब्रेक है, और साथ में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS भी है। दोस्तों बाकी चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो अभी इस बाइक की सीट हाइट है 780mm, लेकिन BS4 वेरिएंट की सीट हाइट थी 785mm, तो अभी इस बाइक की सीट हाइट 5mm कम हो गई है, जिसकी वजह से अभी ये बाइक शॉर्ट राइड्स के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल होगी। इस बाइक का वेट है 179kg और फ्यूल कैपेसिटी है 17 लीटर्स की। दोस्तों टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर वही सेम 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलता है, 140/70 सेक्शन का रियर टायर है जो कि सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स है। सो दोस्तों फाइनली कावासाकी ने निंजा 300 के BS6 मॉडल को इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर सिर्फ कावासाकी ने कलर स्कीम और बॉडी ग्राफिक्स को अपग्रेड किया है, और इस बाइक की टॉर्क आउटपुट 0.9 न्यूटन मीटर कम हो गई है, और साथ ही इस बाइक की सीट हाइट भी 5mm कम हुई है, और साथ ही इस बाइक के अंदर BS6 कम्प्लायंट इंजन है। बाकी दोस्तों इस बाइक के अंदर कोई भी बड़ा चेंज नहीं है। सो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स कावासाकी निंजा 300 के 2021 मॉडल के बारे में, जिसका प्राइस 20,000 इंक्रीज हो चुका है। अभी इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 3,18,000। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।